और जिन कंपनियों ने यहाँ इन्वेस्ट किया ब्लैक और व्हाइट, उसके कागज मैं आज ईडी के अधिकारी को यहाँ देने जा रहा हूँ। अपने पिता अशोक गहलोत की कृपा से कमाया जा रहा है, वो सारा मॉरिशस के रूट के जरिए वापस व्हाइट बन के यह इन्वेस्ट किया जा रहा है, जिनके कागज में भी ज्वाइंट डायरेक्टर महोदय को प्रस्तुत करूंगा। पनामा लीक से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और ऐसी बदनाम कंपनियां जो बेनामी काले धन को दाएं बाएं करती है, उससे वैभव गहलोत जो माननीय मुख्यमंत्री जी के पुत्र हैं वो जुड़े हुए हैं, ये प्रमाण मैं अंदर आज दूंगा और बाहर निकलने के बाद आपको भी। वैभव गहलोत की धर्मपत्नी हिमांशी गहलोत राजस्थान में जो काली कमाई कर रहे हैं, हजारों करोड़ में जो काला धन है उसको मॉरिशस के रास्ते से भेजकर व्हाइट कर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिन कंपनियों के हवाला के द्वारा पैसा भेजा गया और जिन कंपनियों ने यहां इन्वेस्ट किया ब्लैक और व्हाइट, उसके कागज मैं आज ईडी के अधिकारी को यहां देने जा रहा हूं। आपको पत्रकार वार्ता में मैंने शिवनार कंपनी का लिया था, कहा नाम फेयरमाउंट होटल का लिया था, रैफल उदयपुर का लिया था, ताज अरावली का लिया था और एक माउंट आबू में जो अवैध होटल बनी है उसका भी जिक्र किया था। आदेशों के हाईकोर्ट के आदेशों के उल्लंघन किया है, भूमि परिवर्तन में उल्लंघन है, हाईकोर्ट के आदेश के विपरीत नेचुरल फ्लो को ब्लॉक कर दिया गया, वो एक अलग बात है, सरकार में सत्ता में रहते हो कुछ भी कर सकते हैं। झील में सारे कानून को तोड़ के रैफल होटल बना डाली, लेकिन एक कार रेंटल कंपनी के जरिए कमाई करके जितना भी काला धन अपने पिता अशोक गहलोत की कृपा से कमाया जा रहा है, वो सारा मॉरिशस के रूट के जरिए वापस व्हाइट बन के यह इन्वेस्ट किया जा रहा है, जिनके कागज में भी ज्वाइंट डायरेक्टर महोदय को प्रस्तुत करूंगा और जो विशल ब्लोवर है वो सारी सूचना जानकारी उनको बताएंगे। हो सकता है उसमें समय लगे, तो आपको तकलीफ बहुत धूप पड़ रही है, और पहले तो हमने ये तय किया कि जो डॉक्टर उसका नाम मत बताओ, आप ज़्यादा आग्रह करोगे तो नाम बता देंगे, क्योंकि क्या नाम है सर, क्योंकि ईडी की गोपनीयता भंग होती है। वो जो 100 करोड़ रुपए आए ना, वो डॉक्टर का नाम हम ईडी को लिख के दे रहे हैं। तो क्या वो डॉक्टर पनामा पेपर लीक मामले में भी शामिल था? पनामा पेपर लीक मामले में शिवनार थी और करीबन 20,000 करोड़ का घोटाला संसद में स्वीकार किया था वित्त मंत्री जी ने, जिसमें 953 भारतीय थे, उसमें 142 करोड़ इनकम टैक्स विभाग ने उनसे पैसा लिया है, और ये शिवनार और ये जो बाकी की कंपनियां जिनके नाम मैंने कल गिनाए थे, उनको डील करने वाले सारे पनामा लीक से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और ऐसी बदनाम कंपनियां जो बेनामी काले धन को दाएं बाएं करती है, उससे वैभव गहलोत जो माननीय मुख्यमंत्री जी के पुत्र हैं वो जुड़े हुए हैं, ये प्रमाण मैं अंदर आज दूंगा और बाहर निकलने के बाद आपको भी दूंगा। सर, कांग्रेस का यह आरोप, बात कर रहे हैं लेकिन कल महेश जोशी भी बोल रहे थे
सबूत नहीं, कोई प्रमाण नहीं होती तो 4.5 साल में ईडी ने काम पे कार्रवाई नहीं की। देखो अगर कोई सबूत थे जबी तो ईडी आरपीएससी में घुस गई, सबूत हैं जबी ईडी चेयरमैन को बुलाएगी, सबूत हैं जबी बाबूलाल कटारा गिरफ्तार हुआ है, सबूत हैं जबी डीपी जारोली बर्खास्त हुआ है। बिना सबूत के हमारी पार्टी बात नहीं करती। और अगर मैं गलत सबूत दे रहा हूं तो खुद सीधे गहलोत साहब को चैनल के जरिए निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे मानहानि पर मानहानि का दावा करो। और सबूत ऐसे हैं कि ये काले धन के धंधे से बचने वाले नहीं। सर कर्नाटक में हमने सुना था 40% की कमीशन की सरकार, राजस्थान सरकार वहाँ का तो कोई पैरामीटर नहीं है, लेकिन 2-4 दिन में मैं आपको पत्रकार वार्ता कर रहा हूँ तो गहलोत सरकार 60% के कमीशन की सरकार है, 60% कमीशन लेने के प्रमाण 2-4 दिन में मैं मीडिया को दूंगा। सर ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 4.5 साल तक विपक्ष ने निकम्मापन के अलावा कुछ किया ही नहीं। नहीं, निकम्मापन कहाँ किया, आमागढ़ में हम चढ़ गए, शंभू पुजारी को लेकर हम आ गए, रीट का आंदोलन हमने कर दिया, कौन सा ऐसा काम नहीं किया जहाँ सरकार को ने जो जो गलती की। मैं गया था उदयपुर में जब इनकी CWC की मीटिंग हुई थी, चिंतन शिविर हुआ था जिस ताज अरावली में, वहाँ विरोध करने गए थे, आदिवासी की जमीन पर बनाए, उसमें बड़े बड़े लोगों की साझेदारी है। और जब हम वहाँ गए तो हमको जिला बदर कर दिया, तो मेरे जैसे सांसद को जिला बदर 2 बार करने का काम गहलोत सरकार ने किया है। लेकिन सर आपके साथ बीजेपी नजर नहीं है, आपने जितने भी नाम दिए उसमें ज्यादातर जगह आंदोलन में बीजेपी मिसिंग थी, किरोड़ी लाल मीना नजर आ रहे हैं। नहीं नहीं, रीट पेपर में बीजेपी थी, शंभू पुजारी में बीजेपी थी, आमागढ़ में बीजेपी थी, जितने भी आंदोलन हुए उस सब में भारतीय जनता पार्टी। आज क्या है कि कल हम मेरे साथ थी वहाँ तो ये तय किया है कि आप इसी मामले को समझते हो तो आप इसका ज्ञापन दे के आओ।